हाय गाइस, कैसे आप सब। फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2023 की लेटेस्ट मॉडल रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रेट्रो फैक्ट्री, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बाइक के बारे में हम आपको फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 2023 की लेटेस्ट मॉडल रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रेट्रो फैक्ट्री में आपको क्या क्या अपडेट देखने को मिलती है और इस बाइक का क्या लेटेस्ट प्राइस आपको देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर आप 2023 में इस बाइक को लेने के प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि 2023 की लेटेस्ट मॉडल रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में आपको क्या क्या अपडेट देखने को मिलती है, क्या लेटेस्ट प्राइस आपको मिलती है, कितनी आपको इसमें माइलेज मिलती है। तो ये सभी कुछ डिटेल्स में आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस बाइक में आपको क्या क्या अपडेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहला जो आपको अपडेट मिलता है इसमें, आपको BS6 फेज 2 आपको इसमें इंजन लगी मिलती है। और नेक्स्ट अपडेट जो आपको मिलता है इस बाइक में, इसके फ्यूल टैंक में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर E20 की आपको यहाँ पर बैजिंग मिली है, पेट्रोल अप टू E20 की आपको बैजिंग मिली है। जैसा कि यह बाइक भी एथनॉल कंपेटेबल हो चुकी है, E20 फ्यूल से भी चलेगी और नॉर्मल फ्यूल से भी चलेगी, जो काफ़ी बेहतरीन इस बाइक में अपडेट किया गया है। तो E20 फ्यूल से अगर आप इसे राइड करते हैं तो इस बाइक का जो परफॉर्मेंस है, माइलेज है, काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा और इसका रिफाइनमेंट आपको पहले से काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाएगी और यह बाइक पॉल्यूशन को भी कम करेगी पहले की अपेक्षा। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि यह बाइक इको फ्रेंडली हो चुकी है, रॉयल एनफील्ड हंटर 350। तो यही सारी अपडेट आपको देखने को मिलती है और इसमें आपको OBD2 सेंसर लगा मिलता है इस बाइक में, जो कि 2023 की लेटेस्ट मॉडल में सभी बाइकों में आपको देखने को मिल रहा है। गाइस, बात करें इस बाइक के साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस बाइक का जो साइड प्रोफाइल है, लेफ्ट साइड प्रोफाइल है, कुछ इस तरह से निकल जाती है। इसके फ्यूल टैंक पे आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है, काफ़ी शानदार लग रही है। यहाँ पे देखेंगे तो आपके यहाँ पे कुछ इस तरह से एलो करके आपको ग्राफिक देखने को मिलती है इसके फ्यूल टैंक के दोनों साइड में, जो काफ़ी प्यारी लगी देखने में। क्रोम का आपको फ्यूल फ्री लीड मिलता है। और यही बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 30 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से आपको इसका फ्यूल टैंक लगा मिलता है। और गाइस, इसमें आपको जो हैंडल बार लगा मिलता है, कुछ इस तरह से आपको इसकी हैंडलिंग मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हाफ पे तो आपके यहाँ पे पासिंग लाइट का स्विच, हैवी लो बीम, टर्न सिग्नल और हॉर्न का स्विच दिया हुआ है। और सिंपल आपको हैंडलिंग बार इसकी लगी मिलती है, यहाँ पर इंजन का स्विच और यहाँ पे पावर टैप का स्विच दिया हुआ है। इसमें आपको प्री इंस्टॉल हजार लाइट का स्विच आपको इस बाइक में देखने को नहीं मिलता है। और इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलती है, सिंपल आपको मीटर कंसोल मिल जाती है, यहाँ पर डिजिटल मीटर मिलता है, ऊपर एनालॉग मीटर मिलता है। तो इसमें आपको फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप मीटर, किलोमीटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं इसके डिजिटल मीटर में। और अब बात की इस बाइक के फ्रंट लुक और स्टाइलिंग, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो फ्रंट लुक आपको मिलता है रेट्रो स्टाइलिंग में, इस बाइक की आपको हेडलाइट का सेटअप मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे हेलोजन बल्ब की आपको हेडलाइट मिली है, टर्न सिग्नल आपको मिलते हैं, हेलोजन बल्ब के इंडिकेटर आपको लगे मिलते हैं, जो कि काफ़ी हार्ड आपको इस बाइक में लगी मिलती है। और अब बात की इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो फ्रंट में सस्पेंशन इस बाइक में ऑफर की जाती है, टेलीस्कोपिक 41mm फोक, 130mm ट्रेवल टाइप का आपको सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है। तो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन आपको इस बाइक में लगी मिलती है फ्रंट में। और यहाँ पे आप देखेंगे सस्पेंशन गार्ड आपको लगा मिलता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो फ्रंट फेंडर आपको मिली है ब्लैक कलर में आपको मिलती है, जो कि आपको इसमें मिलता है फायर बॉडी का इस बाइक में लगी मिलती है। गाइस, बात करें इस बाइक के ब्रेकिंग के बारे में, तो जैसा कि यह बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ अवेलेबल है, तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 300mm का आपको डिस्क ब्रेक लगी मिलती है। और व्हील साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको जो व्हील साइज मिलती है 17 इंचेस का आपको व्हील साइज मिलती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो व्हील लगी मिलती है, स्पोक व्हील्स आपको लगी मिलती है, जो काफ़ी प्रीमियम लगी देखने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ABS का चैन इसके बीच में लगा हुआ है। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको जो फ्रंट में टायर लगी मिलती है इस बाइक में, 100x80 17 इंचेस का आपको ट्यूब वाले टायर इस बाइक में लगी मिलती है। तो कुछ इस तरह से आपको इसकी ग्रिपिंग मिली है। और गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो राइट साइड प्रोफाइल है, कुछ इस तरह से निकल जाती है। फ्यूल टैंक पे आप देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड की आपको यहाँ पे बैजिंग मिली है। और इस बाइक का जो इंजन है, कुछ इस तरह से आपको लगा मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे साइड पैनल पे दोनों साइड में तो आपको 100 350 की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से एग्जॉस्ट लगी मिलती है। अब बात की इस बाइक की रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में, तो रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है, 2x2 इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर आपको लगा मिलता है, जिससे आप 6 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन आपको रियर में लगी मिलती है। और रियर में आपको जो ब्रेकिंग लगी मिलती है इस बाइक में, ड्रम ब्रेक लगा मिलता है और स्पोक व्हील्स रियर में भी ऑफर की जाती है। और इसमें आपको जो ड्रम ब्रेक लगा मिलता है इस बाइक में, 153mm का ड्रम ब्रेक आपको इस बाइक में लगी मिलती है। और रियर टायर फाइल की बात करें तो रियर में आपको जो टायर लगी मिलती है 120x80 17 इंचेस का ट्यूब वाले टायर इस बाइक में लगी मिलती है। तो कुछ इस तरह से आपको रियर में टायर लगी मिलती है, फ्रंट के पीछे थोड़ा वायर टायर आपको लगी मिलती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी ग्रिपिंग कुछ इस तरह से मिलती है। और गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो रियर प्रोफाइल है, कुछ इस तरह से निकल जाती है।
टेलाइट आपको मिलती है, LED का टेलाइट आपको इस बाइक में लगी मिलती है, ग्रैब हैंडल्स इस तरह से आपको इसमें लगी मिलती है। अब बात करें इस बाइक के सीटिंग कंफर्ट के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो सीट लगी मिलती है 800 mm का आपको सीट हाइट मिल जाती है। और कुशनिंग की बात करें तो इसमें आपको जो कुशनिंग मिलती है काफ़ी अच्छी कुशनिंग आपको इस बाइक में लगी मिलती है, जो काफ़ी अच्छी बात है, जो काफ़ी कम्फर्ट आपको प्रोवाइड करने वाली है राइडिंग के टाइम पर प्लेन और राइडर दोनों के लिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये इसमें आपको सीटिंग कम्फर्ट आपको इस बाइक में अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अब बात करें इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है 349.34 cc का सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड आपको इसमें इंजन लगी मिलती है। और मैक्स पावर की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्स पावर मिलती है 20.2 bhp की आपको पावर मिलती है एट 6100 rpm पे आपको मैक्सिमम पावर मिलती है। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्सिमम टॉर्क मिलती है 27 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है इस बाइक में एट 4000 rpm पे आपको मैक्सिमम पावर मिलती है। और जो इसमें आपको गियर बॉक्स लगा मिलता है 5-speed गियर बॉक्स आपको लगा मिलती है, साइड स्टेयरिंग इनकट आपको फीचर्स मिलता है। और साइड पैनल पे आपको यहाँ पर 100/350 की आपको यहाँ पे बेजिंग मिली है। और रियर साइड में इस तरह से आपको एसेसरीज लगी मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इस बाइक में ऑफर की जाती है। सो गाइस ये हो गया इस बाइक के फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात। अब बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशंस के बारे में, तो इस बाइक का जो कॉर्बेट निकल के आ रहा है 177 kg का आपको इसका वेट मिलता है। लेंथ की बात करें तो ओवरऑल लेंथ आपको जो मिलती है इस बाइक की 2055 mm का ओवरऑल लेंथ दिया हुआ है। विड्थ की बात करें तो ओवरऑल विड्थ आपको जो मिलती है इस बाइक की 800 mm का विड्थ दिया हुआ है। और इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 150 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। और इसमें आपको जो सीट हाइट मिलती है, जैसा कि मैंने बताया कि 800 mm का इसमें सीट हाइट मिल जाती है। और इसका जो व्हील बेस आपको मिलती है 1370 mm का आपको व्हील बेस मिल जाती है। अब बात की इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में, तो रॉयल एनफील्ड 150 रेट्रोफेक्टिव ब्लैक कलर का जो अंडर प्राइस निकल कर आया वाराणसी में 179,000 से 181,000 के बीच में यह बाइक कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगी। और माइलेज की बात करें तो इसमें आपको जो माइलेज अबाउट मिलती है 30-35 km/h की आपको इस बाइक में आराम से इस बाइक की माइलेज आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये रहा रॉयल एनफील्ड 150 रेट्रोफेक्टिव ब्लैक कलर का डिटेल रिव्यू। आपको रिव्यू और बाइक कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।